टुडे इज़ सिक्स्थ डे ऑफ माय साउथ इंडिया ट्रिप और आज मैं मैसूर से ऊटी निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:05। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी प्लीजेंट है और मैं सुबह ऊटी का टेम्परेचर चेक कर रहा था, वो 8 डिग्री था, तो काफ़ी ठंडा है वहाँ। और देखिए पीछे मेरा गाड़ी खड़ा है तो उसका ग्लास जो है काफ़ी गंदा हो गया है, इसको थोड़ा साफ करेंगे। और यहाँ से ऊटी है 125 किलोमीटर्स। सर गूगल बोल रहे हैं कि इट विल टेक 3 आवर्स टाइम, तो देखते हैं। हमको अभी थोड़ा फोटोग्राफी करना है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू ऊटी बाई रोड, और देखते हैं अभी जाने से पता चलेगा एक्चुअली कितना टाइम लगता है। हम लोग सोचते हैं कि वो स्टार्टिंग में वो बांदीपुर नेशनल पार्क, उसके बाद मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब देखते जाएंगे तो मेरे को लगता है कि शायद 3 घंटे का जगह 5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करेंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं, वी आर ऑलरेडी लेट। तो अभी महेश्वर पैलेस के सामने जा रहे हैं। तो अभी हम मैसूर पैलेस के सामने से गुजरे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल नगरहोले नेशनल पार्क से आते हुए लेट हो गया, तो मैसूर पैलेस 5 बजे बंद जाता है। तो मैं यहाँ आके पहुँचा नियर अबाउट 6:30, तो मैसूर पैलेस हम लोग मिस कर दिए, नहीं जा पाए। सुबह सुबह नारियल पानी का मज़ा कौन नहीं लेना चाहेगा, वो भी इस जैसे ट्रिप में। यह मलाई भी काफी मोटा मलाई है, देखते हैं। बहुत ही टेस्टी है। नेशनल पार्क का जो एंट्री गेट है वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ जो गार्ड है उन्होंने बताया कि यहाँ से पास बनता है। तो अभी जा रहे हैं पास बनाने के लिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का अंदर एंट्री कर लिया, मौसम अच्छा है। अरे बाबा जस्ट लुक, सो मेनी डियर्स। ये जो सिंग वाला डियर आप देख रहे हैं ना, ये दीज आर मेल डियर्स, और ये जो बिना सिंग वाला है ये फीमेल डियर है। दीज आर चित्तल स्पॉटेड डियर्स। अरे अरे यहाँ काफी सारे डियर्स हैं। देखिए यहाँ पानी है, कितने सारे डियर है, देखिए गजब का सीन है, मजा आ गया देख के। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि इतने डियर देखने को मिलेंगे। ये आ गया मोर। सामने से देखिए गाड़ी आ रहा है। देखिए ये जंगल, ये माहौल, ये ग्रीनरी, और उसके साथ ये वाइल्ड एनिमल्स, ये नेचुरल एनवायरनमेंट देख के तबीयत खुश हो जाता है। हम अभी बांदीपुर नेशनल पार्क का अंदर मूव कर रहे हैं एंड दिस इज इन कर्नाटका। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर स्टार्ट होगा मुदुमलाई नेशनल पार्क, और वो तमिलनाडु में है। यहाँ इतने सारे बंदर है, लगता है कि ये लोग का कुछ इमरजेंसी मीटिंग से चल रहा है। अभी ये बांदीपुर नेशनल पार्क ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद स्टार्ट होगा मुदुमलाई नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में आता है,
ये कर्नाटका का कर्नाटका तमिलनाडु का बॉर्डर है। तो तमिलनाडु बॉर्डर एंट्री करते ही उन लोगों ने कोरोना टेस्ट लिया, तो वहाँ फिर हम लोग को 15-20 मिनट रुकना पड़ा। मुदुमलई नेशनल पार्क के अंदर एंट्री करते ही हमें फिर से काफ़ी सारे डियर्स नज़र आ रहे हैं। अगर रास्ते में कुछ सांबर या वाइल्ड बोर या कुछ एलिफेंट नज़र आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। हम अभी ऊटी जा रहे हैं, दूसरा रूट ले लिए हैं। हम एक्चुअली नहीं जा रहे हैं वो जो पहले जो रूट था मसीनागुड़ी होके, उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गुडालूर होके। गुडालूर यहाँ से 17 किलोमीटर है और ऊटी यहाँ से 67 किलोमीटर है, और हम जाएंगे पाइकरा फॉल्स एंड दिस रूट इज सिनिक। अगर वो दूसरा रूट में जाते तो मसीनागुड़ी होके तो हमें लगता कितना यहाँ से 37 किलोमीटर था, बट यहाँ से ऊटी 67 किलोमीटर है, थोड़ा ज़्यादा रास्ता है, 30 किलोमीटर लंबा है। फिर भी हम दूसरा रूट चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिनिक है और हम पाइकरा फॉल्स होके फिर ऊटी जाएंगे। और थोड़े आगे बढ़ने के बाद हमें नज़र आया एक वाइल्ड एलिफेंट नदी के किनारे। काफ़ी बढ़िया रास्ता है, बीच बीच में रास्ता ख़राब है और हम्स काफ़ी है क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आप स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द गेट ऑफ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। हम अभी टाइगर रिजर्व खत्म हो गया, बाहर जा रहे हैं। ये गुड्डालूर टाउन है, यहाँ से पाइकरा फॉल्स आएंगे। यहाँ से पाइकरा फॉल्स है 29 किलोमीटर। देखिए जब जब ऊटी नज़दीक होता जा रहा है कैसे लैंडस्केप का ब्यूटी चेंज होता जा रहा है। जस्ट लुक एट द लैंडस्केप, कितना खूबसूरत पेड़ है, ग्रीनरी देखिए, और यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। तो फिर यहाँ से हम जाएंगे सीधा पाइकरा फॉल। पाइकरा फॉल जाते हुए रास्ते में आ गया यूक्लिप्टस फॉरेस्ट। अगर आप बाई रोड जाते हैं ऊटी तो प्लीज़ टेक द गुडालूर रूट, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। यूक्लिप्टस फॉरेस्ट का थोड़ा आगे है पाइकरा फॉल्स। हम आके अभी पहुंच गए पाइकरा फॉल्स में। रास्ते में गाड़ी पार्क करने के बाद अभी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। हमको कम से कम 500-700 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। वाटरफॉल तक जाने का एंट्री टिकट है 20 रुपया। यहाँ ये बैटरी कार भी है, अब इसका फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ लेते हैं ये लोग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम 8:30 AM टू 5:30 PM। ये कुछ स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए, अबाउट 50 स्टेप्स। अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये है पाइकरा फॉल। अभी ये अभी दिसंबर का महीना है इसलिए ज़्यादा पानी नहीं है। ये जो रॉकी बेड है, अगर आप बरसात का टाइम में आएंगे तो ये शायद और ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा। फिर भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अभी जा रहे हैं पाइकरा लेक। हम अभी आके पहुंच गए हैं पाइकरा लेक में। अभी यहाँ कोविड के लिए सबका टेम्परेचर टेस्ट किया गया। देखिए लेक कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेक के चारों तरफ जंगल, नीला नीला पानी, इज जस्ट लुकिंग ऑसम। अभी हम नीचे जाएंगे।
तो नीचे जाके पता करेंगे कितना बोटिंग का क्या चार्जेस स्टैंड क्या है, तो आपको बताएंगे। ओह माय गॉड, दिस लेक इज लुकिंग सो गॉर्जियस। अभी हम रेडी हो गए हैं बोटिंग के लिए, ले जाने के लिए। हम अभी आपको बोट टैरिफ का बोर्ड दिखाते हैं, ये शॉट को फ्रीज करके आप देख सकते हैं क्या रेट है बोटिंग का। हम लोग बोट राइड में जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक 8 सीटर बोट बुक किया जिसका टैरिफ है 815 रुपया फॉर 20 मिनट्स। यार क्या जबरदस्त लेक है, मैं तो बोलूंगा कि आप जब भी आएंगे पाइकरा लेक तो बोट राइड कभी भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। देखिए चारों तरफ देखिए इतना खूबसूरत है, पानी का कलर देखिए, जैसा लगता है कि समंदर में स्पीड बोट चल रहा है। रियली बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। If you are coming to Paikra Falls, never miss this boat ride. तो अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट वेनलॉक पॉइंट। पाइकरा लेक से वेनलॉक डाउन शूटिंग पॉइंट का डिस्टेंस है 7 से 8 किलोमीटर। हम अभी आके पहुंच गए हैं। यहाँ का एंट्री टिकट है 20 रुपया, और अगर आप कैमरा अंदर ले जाते हैं तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ काफ़ी सारे फिल्म के गाने के शूटिंग होता है। जैसे आपने अगर देखा होगा दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर और दिव्या भारती थी, तो ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये जो गाना है यहीं पे पिक्चराइज हुआ था। और राजा हिंदुस्तानी का गाना जो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, वो भी यहीं पे पिक्चराइज किया गया था। काफ़ी सारे गाने यहाँ पिक्चराइज किया गया है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधा पाइन फॉरेस्ट, काफ़ी लेट हो चुका है, चलिए अभी निकलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी पाइन फॉरेस्ट में आ गए, अभी जा रहे हैं पाइन फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पाइन फॉरेस्ट में पर पर्सन एंट्री टिकट है 20 रुपया और कैमरा का है 30 रुपया। ये यहाँ का काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम अभी पाइन फॉरेस्ट का अंदर है और इसका क्लोजिंग टाइम है 6 PM, तो हमें एंट्री किया 5:30 में, तो लेट हो गया। आगे आगे लेक दिख रहा है। यहीं पे भी काफ़ी फिल्म का गाना शूटिंग होता है, मेरे को याद है साजन फिल्म का भी एक गाना यहीं पे शूट हुआ था। और ये जो लेक आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोटिंग भी होता है और आपको हॉर्स राइडिंग भी होता है यहाँ, बट कोविड के लिए ये सब अभी नहीं चल रहा है। सुबह 7:30 से लेकर अभी शाम तक का ये मैसूर से लेकर ऊटी तक का सफ़र में हमने बांदीपुर नेशनल पार्क, मधुमलय टाइगर रिजर्व, यूकलिप्टस फॉरेस्ट, पाइकरा लेक, पाइकरा फॉल्स, वेनलॉक डाउन शूटिंग पॉइंट और पाइन फॉरेस्ट जैसा कई सारे डेस्टिनेशन कवर किए। ये सब मधुमलय नेशनल पार्क के बाद गुडालूर रूट में जो ऊटी जाता है उसी में ही पड़ता है। तो अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गुडालूर होके ही ऊटी जाएं, क्योंकि ये रास्ते में आपका काफ़ी सारे साइट सींग हो जाएंगे। तो आज का ये जर्नी में रास्ते में हमें लंच करने का मौका ही नहीं मिला, तो हम अभी यहाँ से सीधा जाएंगे ऊटी और वहाँ जाके अपना खाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे अपना होटल। ये मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा होटल और कल का साइट सीइंग के बारे में।
सो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।